हमें लगता है कि कंपनी हमें हमारा क्लेम देना ही नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है। कई केसेस में हमारी ही गलती होती है। लोगों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए जानिए वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो आप करते हैं और जिससे आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। पहला है गलत जानकारी देना। कई बार जल्दबाजी में लोग अपनी उम्र, इनकम, मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी, प्रोफेशन गलत बता देते हैं। इससे बाद में दिक्कत हो जाती है। इससे कई बार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। दूसरा है वेटिंग पीरियड को इग्नोर करना। हेल्थ इंश्योरेंस में अलग अलग बीमारी के हिसाब से कुछ वेटिंग पीरियड बनाए गए हैं। अगर आप उस वेटिंग पीरियड का ध्यान नहीं रखते हैं और उसी के दौरान कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं जो उसमें से किसी बीमारी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका क्लेम रिजेक्ट होना तय है। तीसरा है मौजूदा बीमारी को छुपाना। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपनी मौजूदा बीमारी, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, स्मोकिंग या अल्कोहल पीने के बारे में गलत जानकारी देते हैं। इससे आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। चौथा है पॉलिसी का एक्सपायर हो जाना। वैसे तो इस तरह की गलती बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन इसके चलते तो क्लेम के पास होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप सही समय पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं चुकाते हैं तो इससे पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवा और आखिरी है सूचना देने में देरी करना। कई बार लोग हॉस्पिटलाइजेशन की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देर से देते हैं। बता दें कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में ये समय अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप तय समय के बाद कंपनी को सूचित करते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप भी ये गलतियाँ करते थे तो फटाफट से इन गलतियों को करना बंद करें। इससे आगे से आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज़।